नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। शंभू बॉर्डर पर पिछले 5 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है, हाईवे बंद है, लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश जो आया है वो काफ़ी किसानों के लिए राहत भरी खबर है, और वहीं हरियाणा सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए जो है वो मुसीबत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि पंजाब हरियाणा कोर्ट ने जो हाई कोर्ट है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस हाईवे को खोला जाए, और किसान अगर दिल्ली जाते हैं तो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, उनको जाने से रोका नहीं जा सकता है, हाईवे को इस तरीके से बंद नहीं किया जा सकता है, और 7 दिनों का वक्त दिया है हरियाणा सरकार को हाईवे खोलने के लिए। हमारे साथ शुभम मलिक जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जिस तरीके से किसान सड़कों पर बैठे थे, लगातार ये कहा जा रहा था कि हाईवे पर जाम करके बैठे हैं, अब कोर्ट ने कहा है हरियाणा सरकार को कि बैरिकेड खोले और किसान अगर दिल्ली जाते हैं तो उनका अधिकार है, जाने दें। देखिए, उच्चतम न्यायालय का ये फैसला किसान के संघर्ष की जीत है, ये फैसला सरकार की किसान विरोधी सोच के लिए आघात है और किसान की सच्चाई का जज्बात है। आप इस बात को समझिए, किसान ने जो 5 महीनों में कहा, कल वही हाईकोर्ट ने कहा। किसान ने कहा भाई हम रोड जाम नहीं कर रहे हैं, रोड रोकना हमारा ना काम ना हम रोक रहे हैं, तो भी ये छवि क्यों बनाई गई कि इस देश का किसान सड़क रोक रहा है? क्योंकि सरकार दरअसल राजनीतिक कारणों से ऐसी छवि गढ़ना चाहती है कि व्यापारी किसान के खिलाफ हो जाए, और व्यापारी ये कहने लगे कि मेरा नुकसान जो सड़क रुकने से हो रहा है उसका जिम्मेदार किसान है। जब व्यापारी और किसान टकराएगा तो बीच में सरकार आएगी। सरकार की ये कोशिश फेल हुई। पंजाब हाईकोर्ट ने, हरियाणा हाईकोर्ट ने जो बातें कही उसमें 3 मुख्य बातें हैं। 28 तारीख को पेटिशन डलती है और उसमें पंजाब हाई कोर्ट वही 3 बातें कहता है जिनको किसान लगातार कह रहा है। वो कह रहा है भाई वहाँ ऐसी स्थिति है ही नहीं जिसके लिए बैरिकेडिंग लगाई जाए। बैरिकेडिंग लगा लीजिए, 7 लेयर बैरिकेडिंग, 7 स्तर की बैरिकेडिंग, युद्ध जैसे हालात किस लिए क्रिएट किए जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो खुलकर बताइए, आपसे तो कोई मांग भी किसान नहीं कर रहा है। किसान की मांग केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार से कोई मांग? जी, हरियाणा सरकार से सीधे तौर पे कोर्ट कह रहे हैं कि भाई तुमसे तो कोई मांग नहीं तो तुम क्यों रोक रहे हो। पंजाब सरकार को कहा कि तुम उनको, किसानों को आज तक जगह नहीं दे पाए बैठने के लिए, क्या ये तुम्हारी नाकामयाबी नहीं है क्या? हरियाणा सरकार का बीच में क्या रोल है इसको स्पष्ट करें, और अगर केंद्र सरकार से उनकी मांग है तो उन्हें दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहिए? ये बात खुले तौर पर कल कोर्ट ने कही है। लेकिन बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी और हरियाणा में भी, और तो कहीं ना कहीं साफ बात तो यही है कि अगर केंद्र सरकार, अगर हरियाणा सरकार को आदेश करती है कि रोको तो वो तो रोकेगी क्योंकि उनकी सरकार है। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर उनको वहाँ से छोड़ दिया जाए तो पिछली बार की तरह वो दिल्ली के बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे। देखिए, इसमें सवाल 2 है, हो क्या सकता है इस पर विचार करिए। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ फरवरी में, समानांतर स्तर पर बर्लिन से लेकर यूरोप के 10 देशों में किसान आंदोलन चले थे। मुझे बताइए किस देश में किसान आंदोलन में पुलिस की गोली से किसान की मौत हुई? भारत को छोड़कर अकेले भारत के अंदर मेरे भाई शुभकरण की मौत पुलिस की गोली से होती है, और उसी दिन 438 किसान घायल होते हैं। 400 पार का आंकड़ा किसान के घायल होने का नहीं दिखा, संसद में सीट का दिख गया। चुनाव का नारा दे दिया 400 पार चाहिए, 400 पार तो किसान भी घायल हुए थे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी आपने नहीं ली। दूसरी बड़ी बात, अब सवाल है कि इसमें हो क्या सकता है। देखिए, जिस तरह की हालात, जिस तरह की कार्यशैली सरकार की, मोदी सरकार की रही है, क्योंकि ये मोदी सरकार तो बिल्कुल नहीं है, ये सरकार NDA की है, मोदी सरकार ये ना हो सकता है पहले थी, आज तो नहीं है, आज आप कह लीजिए लेकिन वो नहीं है, क्योंकि मोदी जी को खुद आकर के कहना पड़ा कि तो गठबंधन की सरकार है, तो इसलिए मोदी सरकार तो ये है नहीं। कार्यशैली जिस तरह की नजर आ रही है, झारखंड में हमने देखा कि ED बेल मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट गई कि भाई बेल कैंसिल करो, मुख्यमंत्री की बेल कैंसिल होनी चाहिए। तो यहां संभावनाएं 2 हैं, क्या अब दोबारा हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेगी कि इस फैसले को वापस ले लीजिए, बैरिकेडिंग तो वैसी ही रहेगी, तो दूसरा किसान विरोधी रवैया सरकार का फिर सामने आएगा। तीसरी बड़ी बात, दूसरी तरफ हरियाणा में चुनाव भी है, हरियाणा में चुनाव भी है, और चुनाव की सरगर्मी का हो सकता है नारा किसान हितैषी खुद को बता दें। क्योंकि मैं आपको 2 बातें और बता देता हूं, हरियाणा का जिक्र क्योंकि आप कर रहे हैं। जब इस देश में मुख्य विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में लैंड एक्विजिशन एक्ट का जिक्र किया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान खड़े होते हैं और कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट की तो कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत है, 2021 में हरियाणा में विधानसभा में क्या आपने 2013 के कानून को निरस्त नहीं किया?
तो इसीलिए ये मुद्दा भी हरियाणा से जुड़ा है। ठीक है, ये बताइए कि अब ये माना जाए कि चूंकि किसान नेता ने ये साफ तौर से कहा है कि अगर बैरिकेड खुलती है तो हम तो दिल्ली प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। देखो, दिल्ली तो हम तब तक आएंगे, दिल्ली किसान में तब तक आएंगे जब तक ये भारत की राजधानी है। बैरिकेडिंग खुलेगी तो दिल्ली तो आएंगे, ये हमें कोर्ट कह रहा है, ये हमारा अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 हमें कह रहा है कि हम दिल्ली आ सकते हैं, केंद्र से बातचीत कर सकते हैं। और क्योंकि अब मोदी सरकार से बात नहीं करनी, अब इस देश में गठबंधन की एक सरकार है जिसमें दो राज्यों के बड़े नेता समर्थन की भूमिका में है, तो बातचीत सबसे होगी। दिल्ली किसान आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप एनडीए सरकार पर दबाव बनाएंगे? एनडीए सरकार पर दबाव बनाना क्यों जरूरी है, ये बड़ा सवाल है। दबाव तो बनाएंगे ही, दिल्ली भी आएंगे ही। मोदी सरकार पे तो नहीं बन, मोदी सरकार तो रही नहीं। देखिए, आज तक दुनिया का हर बड़े बड़ा गणितज्ञ इस बात की रिसर्च कर रहा है कि भारत के अंदर 240 को 400 से बड़ा कैसे बता दिया गया। गणित का हर गणितज्ञ बेहोश है कि 240 400 से बड़ा हुआ कैसे। इसलिए जब 240 को 400 से बड़ा आप बता रहे थे, तो ऐसे हालात में दुनिया के गणितज्ञों को एक काम मिल गया और मोदी सरकार को विराम मिल गया, ये बात तय हो गई। अब मोदी सरकार तो इस देश में है नहीं। सवाल यह है कि किसान को यहां क्यों आना चाहिए। देखिए, आप मुद्दों की बात समझिए, इस देश के अंदर एमएसपी क्यों जरूरी है। मैं आपको ताजा आंकड़ा देता हूं, इस देश में केंद्र सरकार ने लगभग 10 से 20 दिन पहले एमएसपी डिक्लेयर किया। उसके बाद जो रिपोर्ट में आई वो ये आई कि मूंग की दाल की 0% सरकारी खरीद पंजाब में हुई है। 0% का मतलब 0%, 8555 रुपया एमएसपी मूंग की दाल का सरकार ने डिक्लेयर किया। कोई खरीदारी एमएसपी पर सरकार ने की ही नहीं, तो फिर वहां प्राइवेट कंपनियां 7800 रुपए में दाल खरीद रही है, 700 रुपए एमएसपी से नीचे। इसका मतलब जब कंपनी से पूछा गया सरकारी आप क्यों नहीं खरीद रहे, ये बताइए कि मोदी सरकार पिछली बार जो है कहीं ना कहीं लास्ट में आके झुकी, अब एनडीए सरकार झुकने के साथ साथ बात भी मान पाएगी। देखिए, हम इस बार तो आंदोलन में लास्ट में मोदी जी ने कहा था कि हो सकता है कि मेरी तपस्या में, मेरे को समझाने में कोई कमी रह गई हो, तो हम किसानों को समझा नहीं पाया। अब तो 5 महीने से लगभग लोग फिर से बैठे हैं तमाम किसान, अब फिर से आएंगे, तो अब एनडीए सरकार पर ये पूरा जो है वो बात है। और साथ में किसान जो है वो तमाम विपक्षी पार्टी को इनवाइट भी कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट बिल लेकर आइए। जी देखिए, आप ये बात समझिए, आंदोलनकारी जब घर से निकलता है वो परिणाम नहीं सोचता, वो परिस्थितियां सोचता है। वो सोचता है कि कैसी भी परिस्थितियां हो वापसी नहीं होगी। इस देश में राकेश जी कहते हैं जब से नारा दिया कि घर वापसी तो नहीं होती किसान की, घर वापसी इस बार भी नहीं होगी। किसान आगे तो बढ़ सकता है, पीछे नहीं हटेगा, ये बात तो तय है। और इस देश में पीछे नहीं हटने का कारण आप समझिए, इस देश में किसान ने आंदोलन लड़ा है, सरकार दरअसल आंदोलन लड़ रही है। उस आंदोलन के खत्म होने के बाद, उस आंदोलन की जीत के बाद, वो मुझे मौका बताइए जब किसान को अपमानित मोदी सरकार ने ना किया हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या मोदी सरकार ने, क्या भारतीय जनता पार्टी ने टैनी के बच्चे को टिकट नहीं दिया? और टिकट ही नहीं दिया, अमित शाह बराबर में खड़े करके बोले एक बार जिता दो, बड़ा आदमी तो मैं बना दूंगा। इस देश का गृहमंत्री कह रहा था कि किसानों को जीप से रोंदने वाले आदमी को भारत की सरकार बड़ा आदमी बनाती है। इस देश के किसान का अपमान हुआ। 100-100 रुपए में किसान की माएं भाड़े पे आती हैं, ये कहने वाली हीरोइन इस देश की संसद में पहुंची। किसने पहुंचाई? भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई। इसलिए एक के बाद एक वो मौके ढूंढे गए जब किसान को अपमानित किया जा सके, क्योंकि दरअसल किसान दिल्ली से जीत कर लौटा था, जीत का बदला अपमान से लिया जा रहा है। आज तलक व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान बड़े समझदार नेता, अगर किसान लौटे थे शायद इस वजह से इस बार जो है दिल्ली तक पहुंचने ही नहीं दिया। जी, जीत कर किसान लौटे थे, और ये पता है कि किसान के लिए जीत होती है दिल्ली आना। दिल्ली एक बार पहुंच जाए फिर तो फतेह हो ही जाती है। दिल्ली कभी हारा नहीं किसान, दिल्ली फतेह करना हमारी पुरानी जीत गए, लेकिन वो जीत कैसी जिसमें एमएसपी दी ही नहीं गई। हाँ, वो जीत अधूरी क्यों रही? क्योंकि सरकार ने कहा हम एक कमेटी बनाएंगे। किसान ने वापस इस देश की सरकार पर भरोसा नहीं किया था। तिरंगे के साथ जो व्यक्ति खड़ा होता है वही सरकार होता है। इस देश का भरोसा तिरंगे पे था, इस देश के किसान का भरोसा तिरंगे पे था कि तिरंगे की गोद में बैठा व्यक्ति झूठ कैसे बोलेगा। लेकिन देश की सरकार ने झूठ बोला। एमएसपी की कमेटी का कोई रिपोर्ट आज तक आया है क्या? कोई जिक्र आप सुन रहे हैं क्या? इसका मतलब इस देश के किसान को छला गया था। दोबारा एक कोशिश जरूर है आज, क्योंकि हम उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जो फैसला दिया है इससे राहें जरूर खुलेंगी। सवाल एक और है कि किसानों ने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन ये लास्ट में जो ट्रैक्टर का सवाल आता है और जो ट्रैक्टर पर पूरा मामला अटक जाता है कि भाई दिल्ली में इतने ट्रैक्टर जाएंगे, इतना सब कुछ होगा, तो वही वाली स्थिति है और वही सवाल है कि फिर भाई पूरे दिल्ली जाम होगा और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब होगा। नहीं, ट्रैक्टर से इतना डर क्यों है? ट्रैक्टर एक वाहन है, किसान का हवाई जहाज तो ट्रैक्टर ही है।
मोदी जी ने कहा कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठना चाहता हूँ, बैठा नहीं पाए। हम क्या ट्रैक्टर ही लेकर आते हैं, और उसका कारण आप समझ लीजिए भाई, सरकार हमें बोरिया बिस्तर खाना पीना 2-3 साल का रहना ये व्यवस्था दे दे, हम ट्रैक्टर लेके नहीं आएंगे। अगर हमें अपने सामान लाने में कोई ऐसी जगह दे दे, दिल्ली में सिर्फ जगह नहीं, बोरिया बिस्तर, टेंट, खाने की व्यवस्था, और उसमें एसी वेसी लगे हों। इस देश का किसान वैसा नहीं है कि फटे कपड़ों में दिल्ली आएगा, इस देश का किसान अपना एसी ट्रैक्टर में लगा करके साथ आता है। तुम अपना लगा करके दे दो, हम अपना नहीं लाएंगे। देखिए पहली बात तो ये भ्रम तोड़ लीजिए कि इस देश का किसान फटे हुए कपड़ों में आएगा, इस देश का किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में एसी लगाकर आएगा। अगर तुम एसी दे सकते हो तो हम ट्रैक्टर वहां छोड़ आते हैं, नहीं तो भाई हमें तो लाना पड़ेगा, बिना ट्रैक्टर के सामान आएगा कैसे, तुम बता दीजिए व्यवस्था कर दीजिए। तरीके से उन्होंने साफ तौर से कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, एक शब्द उत्पात का जिक्र किया था कि भाई 5 महीने पहले जब किसान आंदोलन शुरुआत हुई थी, जो दूसरी वाली है जो शंभू बॉर्डर पर अभी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि उत्पात मचाएंगे दिल्ली में जाकर। इसी वादे की हवा, इसी वक्तव्य की हवा कल माननीय उच्चतम न्यायालय निकाल दी। मतलब वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें बैरिकेडिंग की भी जरूरत हो, आपने 7 लेवर लगाया क्यों है? वो यही कह रहे हैं कि वहां सामान्य हालात हैं, आप सड़क रोक क्यों रहे हैं? हम 5 महीने से वहां बैठे हैं, आप ये समझिए कि हमने अपना एक भाई खोया है, पुलिस की गोली से खोया है, जांच हरियाणा सरकार कर रही है, उसकी जांच पर किसी को भरोसा नहीं। जब चोर ही जांच करेगा तो चोरी पकड़ी जाएगी क्या? तो ये सवाल तो हैं, और इन सवालों के मद्देनजर एक बड़ी राहत किसानों को इस फैसले के जरिए। सवाल है, पहले मोदी सरकार थी, अब एनडीए सरकार है, तो एनडीए सरकार के किसानों के दबाव में आएगी? क्योंकि मोदी सरकार तो सालों साल बीत गई, नहीं आई दबाव में, लास्ट वक्त में अपने आप जाके जो है वो माफ़ी मांगा और किसानों से कहा कि भाई आप लोग घर जाइए, हम इसको मांग को मानने के लिए तैयार है, लेकिन एनडीए सरकार क्या दबाव में आएगी? देखो एक बात तय है, हो सकता है पूरी जीत ना हुई हो, लेकिन मोदी सरकार को झुकाने की विजय पताका तो हमारे हाथों में है। वो आए, उन्होंने सीधे तौर पे कहा मैं देश से माफी मांगता हूं, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। मोदी सरकार तो हमने ही झुकाई थी, उसके सिवा किसी में हिम्मत नहीं थी किसान के सिवा इस देश में कि मोदी सरकार को झुका दे, तो हमने तो मोदी सरकार झुका दिए, तो एनडीए है। देखो इस देश का किसान मजबूर है, उसे शौक नहीं है सड़कों पर आने का, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, लेकिन इस देश में किसानी के नाम पर आउटपुट आत्महत्या निकल रहा है। एनसीआरबी ने डाटा देना बंद कर दिया, इस देश में कितने किसान आत्महत्या करते हैं, अगर ये डाटा ही नहीं निकलेगा तो किसान की नीति बनेगी कैसे? इस देश का किसान मजबूर है घर से बाहर निकलने के लिए। फिलहाल 7 दिन का इंतजार किया जाए, इसके बाद देखना है किसान किधर जाते हैं। किसान किधर नहीं, किसान दिल्ली आएंगे और मिठाई आपको भी खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खैर, तमाम किसानों का कहना है कि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, दूसरी तरफ जो है बैरिकेड अभी भी लगी हुई है। 7 दिनों का वक्त जो है, आज का देखें तो 6 दिनों का वक्त जो है वो हरियाणा सरकार के पास है। दूसरी तरफ किसान प्राइवेट बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं, जो एनडीए को छोड़ के तमाम पार्टियों के जो सांसद हैं उनको पत्र लिखा गया है, और कुछ किसान जो है मुलाकात करने के लिए भी तमाम विपक्षी पार्टी के सांसद के पास गए हैं, और उनका उनसे साफ निवेदन किया है कि बजट सत्र के बाद जो है वो तमाम जो है सांसद इस बिल को, इस पर ध्यान दें और इसको सपोर्ट करें। अब देखना है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो भी होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।